अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज की रेसिपी है चीज़ी चिकन फिल्ड आलू कटलेट्स। आलू कटलेट्स बनाने के लिए बॉयल और मैश किए हुए आलू ले लें 2 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी काली मिर्च 1/2 टीस्पून, तिक्का मसाला 1/2 टीस्पून। बारीक कटा पुदीना 2 टेबलस्पून, बारीक कटा हरा धनिया 2 टेबलस्पून, नींबू का रस 1 टेबलस्पून। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मैं आपके सामने चीज़ी चिकन फिलिंग बनाऊंगी। इसको बनाने के लिए ऑयल ले लें 1 टेबलस्पून। इसमें बॉयल और शेड की हुई चिकन शामिल करें 1 कप। दो से तीन मिनट के लिए पका लें। इसमें स्पाइसी मायो शामिल करें। ये होममेड स्पाइसी मायो है। इसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और आई बटन में भी, आप वहाँ से इसकी रेसिपी देख लीजिएगा। ये मैंने 1/2 कप ली है। मायनीज को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें बारीक कटी शिमला मिर्च शामिल करें 1/4 कप, श्रेड की हुई चेडर चीज 1/2 कप, श्रेड की हुई मोज़रेला चीज 1/2 कप ले लें, इसमें शामिल कर दें। आपके पास अगर ये दोनों चीज़ नहीं है तो आप इन दोनों की जगह कोई एक चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ शामिल करने से पहले मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इस फिलिंग को ठंडा कर लें। चीज़ी चिकन फिलिंग तैयार है और ये अच्छी तरह ठंडी भी हो गई है। कटलेट्स बनाने के लिए आलू का मिक्सचर लें और उसके सेंटर में चिकन की फिलिंग रखें और इसको कटलेट्स की शेप दे दें। तैयार किए हुए कटलेट्स पर सबसे पहले मैदे की कोटिंग करें, उसके बाद अंडे की कोटिंग करें और सबसे आखिर में ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लें। सब कटलेट्स तैयार हो गए हैं। अब इन कटलेट्स को मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई कर लें इतनी देर तक कटलेट्स दोनों तरफ से लाइट गोल्डन हो जाएं। चीज़ी चिकन फिलिंग के साथ आलू के कटलेट्स तैयार हैं। अब जो आलू का मिक्सचर और चिकन की फिलिंग बची है उन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब उससे मैं आपको एक पराठा बनाना बताऊंगी। सबसे पहले पराठे की डो बना लें। इसके लिए मैदा ले लें 2.5 कप, मैंने ये कप इस्तेमाल किया है। फाइन आटा ले लें 1/2 कप,
चीनी शामिल करें 1 टेबलस्पून, नमक हसबे ज़रूरत, अंडा 1 अदद, दूध 1/4 कप, पराठे की डो को बनाने के लिए मैं ये मशीन इस्तेमाल कर रही हूँ, आप सिंपल हाथ से भी गूंद सकते हैं। पराठे की डो को बनाने के लिए नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। अगर आप गर्मी में ये डो बना रहे हैं तो आप रूम टेम्परेचर का पानी इस्तेमाल करें। अब इस तैयार की हुई डो को काउंटर पर रखें और 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह गूंद लें। डो तैयार हो गई है। अब एक बर्तन में ऑयल लगाएं और इसमें इस डो को कवर करके 1 घंटे के लिए रख दें। एक घंटा हो गया है, ये डो बिल्कुल तैयार है। अब इससे मीडियम साइज के पेड़े बना लें। अब एक पेड़ा लेके उसको बेल लें। ये देखें, इसको इतना बेलना है। अब इसके ऊपर ऑयल या घी जो भी आपको पसंद हो वो लगा लें। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डाल दें और इसकी दो साइडों को फोल्ड कर दें। ये देखें, इसको ऐसे फोल्ड करना है। अब इसके दरमियान में आलू की फिलिंग रख दें। ये वही फिलिंग है जो मैंने कटलेट्स के लिए बनाई थी। जो आलू का मिक्सचर बचा था उसमें मैंने चिकन की फिलिंग मिक्स कर दी थी। फिलिंग रखने के बाद पराठे की बाकी दो साइडों को भी इस तरह फोल्ड कर दें। पराठा तैयार हो गया है, इसी तरह बाकी पराठे भी तैयार कर लें। अगर आप सहरी के लिए ये पराठे बना रहे हैं तो आप रात में ही इन पराठों को इस तरह बना के रख दें और सुबह अपनी मर्जी के मुताबिक फ्राई कर लें। अभी मैं आपको पराठा फ्राई करके दिखाती हूँ। पराठे को मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करना है।
पराठे के ऊपर अपनी मर्जी के मुताबिक ऑयल, मक्खन या घी लगा लें। उसको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। आलू चिकन के साथ पराठा तैयार है। आप इस पराठे को सहरी में एंजॉय करें। आज मैंने आपको दो रेसिपीज बताई हैं। आलू कटलेट्स को आप अफ्तारी में एंजॉय करें और आलू के पराठे को आप सहरी में एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की दोनों रेसिपीज आपको पसंद आई होंगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।